रउरा सब अपना अपना घरे दिया जलैनी है कि ना जी? नहीं जलैले तो जाई जल्दी जलाई तब। राम आए हैं, स्वागत ना करम, जाई जल्दी दिया जलाई। अब बाकी हम चला तनी बिहार से में दिखावा तनी के अपना घरे दिया जलैले बा, सब मंदिर के कैसे सजावल गइल बा। सबसे पहले हम पहुंचे खंदक पे, जहां ये बाबा लोगों को टीका कर रहे थे और यहां राम जी की पूजा कुछ इस प्रकार से की गई, जहां खूब बढ़िया से भगवा कलर के बैलून से सजाया गया था और दियों से जय श्री राम लिखा गया था। इसके बाद हम भी बाबा से टीका वगैरह करवाए। और टीका करवाने के बाद हम भी निकल गए बिहार शरीफ के अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हम पहुंचे उसके बाद बिजली खंडक, जहां का मंदिर कुछ इस प्रकार से सजाया गया था। लोगों का उत्साह देखने लायक था, यहां भी दियों से जय श्री राम लिखा गया था। राम जी से मेरा भी यही कामना है कि ये बच्चा जो भी मांग रहा है उसे जरूर पूरा कीजिएगा। और ये राम जी की वही प्रतिमा है जिसे अभी अयोध्या में स्थापित किया गया है और मंदिर को कुछ इस प्रकार से सजाया गया है। और यहाँ पे बहुत सारी माताएं बहुत सारे दियों में बाती लगा रही हैं, तेल डाल रही हैं और उसके बाद इन दियों को मंदिर में सजाया जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी माताएं गीत गा रही हैं और देख सकते हैं आप कैसे दियों से इस मंदिर को सजाया गया है। पुल पर पहुंचते ही मुझे ये देखने को मिला कि जो नवनिर्मित मंदिर है उसके फोटो को लोग लगाकर बहुत अच्छे से पूजा पाठ किए हैं और दिया और भगवा कलर के बैलून से पूरे रोड को अच्छे से सजाया गया है और लोग मस्ती में झूम रहे थे, पटाखे भी छोड़ रहे थे। लोगों ने इस दिन को दिवाली की तरह मनाया, देख सकते हैं लोगों ने बिल्कुल अपने घरों को वैसे ही सजाया है जैसे दिवाली में अपने घरों को सजाते हैं। फिर आगे जब मैं पहुंचा तो वहां के भी मंदिरों को कुछ इस प्रकार से सजाया गया था। यहां भी हवन वगैरह हुआ और लोग अभी भी पूजा पाठ करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अब मैं पहुंचा हूं बिहार शरीफ के पुल पर के बड़ा मंदिर में, जहां की सजावट कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिली। ये बजरंगबली हैं और ये मंदिर का कुछ सजावट है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहां भी जय श्री राम दियो से लिखा गया था, मैं थोड़ा लेट हो गया जिसकी वजह से दिए बुझ से गए हैं और ये हमारे भोलेनाथ को कुछ इस प्रकार से सजाया गया है। और ये है बिहार शरीफ पोस्ट ऑफिस के पास का मंदिर। और ये है हमारे बिहार शरीफ का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, धनेश्वर घाट। मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया गया था, तो चलिए मंदिर के अंदर का नजारा आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं आप कैसे फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है और लोगों का हुजूम काफी ज्यादा आया हुआ है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों पीछे रहता, मैं भी पहुंच गया। Oh,
यहाँ की रंगोली सबसे अलग बनाई गई थी। यहाँ श्री राम को ऐसे कुछ बनाया गया है और लिखा गया है नीचे कि मेरे राम आए, और सच में हमारे राम आ गए पूरे 500 सालों के बाद। और ये एक छोटे राम जी राम के गेटअप में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और यहाँ कुछ इस प्रकार से विधि पूर्वक पूजा पाठ किया गया था। मंदिर के बाहरी प्रांगण में बहुत से दियों से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। आप देख सकते हैं ये एक मंदिर का नज़ारा है जो कि दियों से बनाया गया है। उसके बाद यहाँ भी दियों के माध्यम से जय श्री राम लिखा गया है, और अलग अलग प्रकार की रंगोलियाँ भी बनाई गई हैं। तो यहाँ का नज़ारा पूरे बिहार शरीफ में सबसे खूबसूरत लगा मुझे। तो चलिए, राम जी की कृपा आप सब पे भी बनी रहे। आज के इस शुभ अवसर पे PW का एक ब्रांच बिहार शरीफ में भी खुल गया, तो राम जी की बहुत सारी कृपा अलग पांडे सर पे बनी हुई है। और ये बिहार शरीफ के और भी बहुत सारे मंदिरों का नज़ारा है। मन मंदिर के दर्पण में सिया राम।